करता है तो पाप है, सुनता है तो पाप है, पाप को देखने वाला भी पापी होता है। धर्म की रक्षा करना चाहिए, अगर अपन सामर्थ नहीं है तो वहां से उठ जाना चाहिए। द्रौपदी हंसी, द्रौपदी हंसी को देख करके पितामह ने कहा, बेटी क्या बात है, आप मुस्कुराएं क्यों? द्रौपदी ने कहा, पितामह कुछ नहीं है, आप जिसका उपदेश कर रहे हैं और मेरा बड़ी सभा में चीर खींचा था तब आप भी बैठे थे और आज उपदेश कर रहे हैं। जब आपने किसी ने मेरी मदद के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा और आप कह रहे हैं पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए। पितामह भीष्म ने कहा, पुत्री इसी का परिणाम है कि मैं 1 महीना 26 दिन बाणों की सैया पर पड़ा, इसी का तो परिणाम है। पितामह भीष्म ने कहा, बेटी एक राजा थे, शिवी राजा के राज्य में एक परमहंस महात्मा थे। एक दिन परमहंस महात्मा ने रानी का हार चुरा लिया और जंगल में भाग गए। राजा ने जब सुना कि रानी का हार चोरी हो गया, राजा ने देखा कि हमारे राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हार को चोरा है, हमारे सभी विश्वास पात्र हैं, किससे कहें कि किसने चुराया, हमें ऐसा कोई दिखता ही नहीं। जब किसी पर संदेह ही नहीं है तो किससे कहा जाए। परमहंस महात्मा को जंगल में 10-20 दिन हो गए भूखे प्यासे। तब एक दिन वापस आए और कहा, महाराज ये हार मैं चुरा करके ले गया था। राजा ने कहा, महात्मा आप परमहंस और हार को चुराना? राजा ने कहा कि महात्मा ऐसा कभी नहीं कर सकते, महात्मा ऐसा कभी नहीं कर सकते कि हार को चुराए, जरूर कोई ना कोई बात रही होगी। राजा ने कहा, मंत्री उस दिन महात्माओं ने किसके यहां से भोजन किया था, वो धन कहां से आया? मंत्री ने लेखा जोखा देखा, कहा महाराज फलाने व्यक्ति के यहां से वो धन आया, वो महात्मा ने खाया इसलिए उनकी मति भ्रष्ट हुई, जाकर के उससे पूछो वो धन कहां से आया। वह मंत्री को भेजा, मंत्री ने पूछा उससे, क्यों तुम्हारे पास उस दिन कहां से आया धन था? उसने कहा, महाराज मैंने अपनी कन्या को बिक्र किया, मैंने अपनी कन्या को बेच दिया था, उसी धन में से मैं आपको कर देने के लिए गया, वो धन महात्मा ने खाया। जब खुदान को कोई खाएगा तो मति भ्रष्ट हो जाएगी। भीष्म पिता ने कहा, बेटी एक दिन खुदान खाने से परमहंस की जगति हुई, मैंने तो दुर्योधन का खुदान वर्षों से खाया तो मेरी मति भ्रष्ट हुई। द्रौपदी ने कहा, तो अब क्या हुआ जो आज उपदेश कर रहे हो? पितामह ने कहा, जो उस कुधान का जो मेरे शरीर में रक्त था वो बाण सैया पर सब निकल गया, अब तो केवल मेरा ही शुद्ध रक्त रह गया, इसलिए मेरी बुद्धि शुद्ध है। कुधान खाने से परमहंस की बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है, एक बार खाने से तो मैंने तो बहुत खाया। उन्होंने उपदेश किया, पितामह भीष्म को विदाई किया, सब चले गए, शरीर छोड़ करके परमात्मा की झांकी को अपने मन में बसा करके शरीर छोड़ दिया। राजा युधिष्ठिर अपने महल में आते हैं, भगवान श्याम सुंदर उनसे विदा लेकर के द्वारका जाते हैं। एक दिन विदुर आते हैं और धृतराष्ट्र के पास आकर के मिले। धृतराष्ट्र रोया, कहा विदुर देखो
मेरे सभी पुत्र मारे गए और तुम अब आए। विदुर ने कहा, महाराज पांडवों के साथ में आपने भी कोई कमी नहीं छोड़ी, हाँ तुम्हारे कर्मों से तुम्हारे पुत्र मारे गए, और सावधान हो जाओ, अगर तुम इसी यही रहोगे ना तो अब समय आ गया, पांडवा चले जाएंगे और राजपाट तुम्हें ही देकर चले जाएंगे, फिर तुम इसी में सड़ते रहना और मरते रहना। धृतराष्ट्र रोने लगा, क्या करूं, कहां जाऊं, अंधा हूं, अरे अपनी मुक्ति का कोई उपाय करो, भगवान का भजन करो, कल्याण के लिए, आजीवन भर तुमने पाप किए हैं, अन्याय किए हैं, अपना जीवन सुधार लो। विदुर धृतराष्ट्र को गंधारी को ले गया जंगल में, जंगल में ले जाकर के उन्होंने छोड़ दिया। युधिष्ठिर प्रात होते ही माता पिता को प्रणाम करने के लिए आते थे, क्योंकि ये परंपरा थी, जो विद्वान है सज्जन है जिनके हितास डरे वो संस्कारी थे, वो अपने माता पिताओं की पूजा करते थे, माता पिताओं का आशीर्वाद लेते थे प्रात। जैसे किसी कथा को किसी को किसी भी चीज को आरंभ करने से पहले मंगलाचरण किया जाता है, तो इसी प्रकार सवेरे उठकर के दिन की शुरुआत में ही मंगलाचरण किसी का आशीर्वाद से लेकर के हो। प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नायव माता, जब जैसे युधिष्ठिर ने देखा कि माता पिता नहीं है तो चिंतित तो होने लगे, रोने लगे और कहने लगे, हे बेटाता मेरे ज्येष्ठ पिताश्री है वो अंधे हैं, माता भी अंधी हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं जाकर के घर से निकल गई कुएं में गिर पड़ी, कोई क्या कहेगा कि धर्मराज अपने माता पिताओं का ख्याल नहीं रखता होगा इसलिए वो चले गए। चिंता करने लगे, नारद जी आए, नारद जी ने बताया चिंता मत करो, वो अपने मुक्ति के मार्ग पर चले गए, अब उनको कौन खिलाएगा कौन पिलाएगा। नारद जी ने कहा, परमात्मा सबका भरण पोषण करता है, अरे मैं तो उनका अंतिम संस्कार भी नहीं कर सका। नारद जी ने कहा, चिंता मत करो, आज से पांचवे दिन जंगल में आग लग जाएगी, उनकी अंतिम संस्कार हो जाएगा। अर्जुन को द्वारका भेज दिया, भैया जाओ, द्वारकाधीश जब से गए उनका कोई अता पता नहीं, उनकी रावट लेकर के आओ। अर्जुन द्वारका जाते हैं, परीक्षित का जन्म हुआ बड़ी धूमधाम से, और अर्जुन को द्वारका भेजा। अर्जुन द्वारका से वापस आते हैं, रथ में बैठ करके आए, युधिष्ठिर मन में चिंता करने लगे, हे परमात्मा मेरा मन बेचैन हो रहा है, मुझे कोई सुहाई नहीं रहा, समय का ऐसा परिवर्तन हो रहा है, ना जाने क्या होने वाला है, नाना प्रकार के स्वप्न होते हैं, ये प्रकृति में बदलाव, समय में बदलाव, सबके स्वभाव में बदलाव। कुछ समय बाद अर्जुन आया, रथ के पिछले भाग में बैठा, युधिष्ठिर के सामने आया, सर नवा करके खड़ा हो गया। युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन क्या बात है, ऐसा क्यों खड़ा है, क्या हुआ, क्या तूने कोई पाप किया है, तूने अन्याय किया है, किसी को सताया है, क्या हुआ, द्वारकाधीश सही तो है,
अर्जुन रोने लगा और कहने लगा, बेटा श्री द्वारकाधीश हमें छोड़ करके चले गए। युधिष्ठिर ने कहा, कैसे? वो प्रवास क्षेत्र में गए, वहां सबने मदरा पान किया, वो आपस में कट करके मर गए और स्वयं द्वारकाधीश अपने धाम को चले गए। मैंने सोचा था कि संसार में मैं बलवान हूं, सब कुछ मैंने किया, मुझे आज ज्ञात हुआ कि ये तो सब भगवान की कृपा है। और महाराज मुझे तो यहां तक कि रास्ते में भीलों ने लूट लिया, युधिष्ठिर ने सुना। अच्छा, कुंती दौड़ करके आई और कहा, अर्जुन क्या बात है, द्वारका में सब कुशल तो है? अर्जुन ने कहा, कुछ नहीं, सब छोड़ करके चले गए। चले गए? हाँ। श्याम श्याम कहे, श्याम कहे, श्याम श्याम कहे, श्याम तन पर हरे घन श्याम बिरे, प्रथा गई सुरदा। अर्जुन भगवान छोड़कर चले गए? हाँ। जैसे ही सुना श्याम श्याम कह करके कुंती वही खत्म हो गई। भगवान का नाम सुनते ही कि भगवान हमें छोड़ करके चले गए, तो कुंती ने परे प्राणों को त्याग दिया। युधिष्ठिर ने देखा, भैया अब हमारा भी समय आ गया, चलो। परीक्षित को राज दिया, सभी जंगल के लिए गए। जंगल में जाकर के पांडवों ने हिमालय में जाकर के नारायण कुंड पे अपना सब एक एक से गल गए। धर्मराज अपने लोकों को चले गए। श्री शोजी महाराज कहने लगे, राजन सौनक, जब परीक्षित का राज्य हुआ, परीक्षित ने उत्तर की पुत्री इरावती के साथ में विवाह किया और अपने राज्य भार को देखने के लिए अपने दिग्विजय के लिए निकले। रास्ते में जा रहे थे, धर्मं पदे केनं चरण बिछाया मूर्प बलभ्य गाम प्रचते स्मास्त्रवदना विवर्षामिवं मातर। रास्ते में एक व्यक्ति काला पुरुष गाय को बैल को लातों से पैरों से मार रहा था। जब राजा परीक्षित ने देखा, उन्होंने कहा, अरे दुष्ट, तू कौन है और मेरे राज्य में इस गाय को क्यों सता रहा है, इस बैल को क्यों सताया है तूने, और जिसके तीन पैर टूट गए? राजा ने कहा, ए दुष्ट, अब मैं तुझे दंड दूंगा। और गए वहां जाकर के गाय से पूछा, बैल से पूछा कि तुम कौन हो और आपस में बातें क्यों कर रहे थे, आप दोनों रो रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, किसने सताया है आपको?
तब कहा, बैल ने कहा, महाराज आप जी यही आशा थी, परंतु हमें कौन सताएगा, कौन किसको दुख देगा? कोई नहीं महाराज। कहा गया है कि संसार में तो कहा गया है इनका हो न को सुख दुख, दुख का दाता ही नहीं है, जो जैसा वैसा फल भुगतता है। करे है जो कर मैं पाप फल सोई, करे है जो कर पाप सोई कोई, कर है जो कर मैं पाप फल सोई, कर ही जो कर पाप फल सो, निगम नीत कह सब कोई, निगम नीत दे करे जो कर्म पाप फल सोई, और निगम नीत यस कह सब कोई, जो जैसा करता है वैसा ही फल भुगतता है। हाशी बोले रघुवंश कुमारा, ओ विधि कर लिखा कुमेटर आरा, जो विधाता ने लिख दिया वो ही होगा, कुछ कौन मिटने वाला है। बैल ने कहा, हे राजन, पापी का नाम लेने से भी पाप लगता है, और पापी के दर्शन करने से भी पाप लगता है, इसलिए मैं पापी का नाम नहीं लेना चाहता। राजा परीक्षित समझ गए ये जरूर ही धर्म है, और धर्म को धारण करने वाले ये धरा है, और कहा, हे दुष्ट तू कौन है बता? तब कहा, महाराज मैं कलयुग हूं, परीक्षित ने कहा तुम मेरे राज्य में प्रवेश क्यों किया आपने? कलयुग ने कहा, महाराज ये तो संसार में नियम है, सतयुग के बाद में त्रेता, त्रेता के बाद में द्वापर, द्वापर के बाद में मेरा आना निश्चित है। महाराज जैसे सबकी अवधि सबका राज्य, वैसे ही मेरी भी अवधि है, 17,28,000 वर्ष का राज्य सतयुग का है, 12,96,000 वर्ष का राज्य त्रेता का है, 8,64,000 वर्ष का राज्य द्वापर का है, 4,32,000 वर्ष की मेरी अवधि है। अब मैं मेरा समय तो बस मैं आऊंगा ना। राजा परीक्षित ने कहा, आप मेरे राज्य में मेरे रहते हुए नहीं आ सकते। राजा परीक्षित मारने के लिए तैयार हुए, तब कलयुग ने विचार किया, कि अपनी युक्ति से काम लेना चाहिए। कलयुग उनकी शरण में आया, महाराज मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी रक्षा करो। तब परीक्षित की शरण में देख करके परीक्षित ने कहा, तो कोई बात नहीं, ठीक है, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, परंतु यहां से अब चले जाओ। कलयुग ने कहा, महाराज मैं आपकी शरण में हूं, आपके राज्य में ही तो रहूंगा, मैं आपके राज्य से कहां जाऊंगा, आपका राज्य तो पूरे भूमंडल में, मुझे कोई स्थान देवे। तब कलयुग की प्रार्थना सुन करके राजा परीक्षित ने उन्हें शरण दी। सभी धर्मों में, सभी युगों में धर्म के चार पैर होते हैं,
और जैसे ही युग परिवर्तन होता जाता है एक चरण खत्म होता जाता है। तीन युग खत्म हुए, धर्म के तीन पैर गए, कलयुग में एक रह गया। राजा परीक्षित ने कहा, हे कलयुग, तेरे में अवगुण ही अवगुण है, इसलिए तू रखने योग्य नहीं है। कलयुग ने कहा, महाराज, मेरे में अवगुण ही अवगुण नहीं है, केवल गुण भी है। मेरे में गुण भी है और मेरे में गुण ऐसे हैं, सतयुग में एक व्यक्ति अपराध करता था तो पूरा राज्य उसका परिणाम भुगतता था। त्रेता में एक व्यक्ति अपराध करता था तो उसका पूरा गांव अपराध भुगतता था। द्वापर में एक व्यक्ति अपराध करता था तो उसका परिवार, उसका घर पूरा भुगतता था। और मेरे में जो करेगा सो ही भुगतेगा, और कोई नहीं भुगतेगा, और मेरे में एक छूट है। कल कर एक पुनीत प्रताप हो, कल कर एक पुनीत प्रताप प्रताप है। काले कर एक पुनीत प्रताप क्या है कि मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। तुम मन में पुण्य सोचोगे तो तुम्हें उस पुण्य का फल मिल जाएगा। करने की बात दूर, मन में सोच लेंगे ना तो बहु को फल मिल जाओगे, और तुम मन में पाप सोच लेंगे बागो फल तुम्हें नहीं मिलेगा। जब सोचने मात्र से ही तुम्हें पुण्य मिल रहा है तो करने से क्या मिलेगा, कितना मिलेगा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, तो गावत नर पावे भवता हो। कलयुग केवल नाम मेरे में कमी कभी नहीं है। अनेकों युगों में तपस्या, समाधि, यज्ञ, यत फलम तपसा नाष्टम योगेना समाधना तत् फलम लभ्यते सम्यक् लोके वसव कीर्तनात्। मेरे में तो केवल भगवान का गुणगान करने से जो फल मिल जाता है, अन्य युगों में हजारों वर्ष तपस्या करने से जो फल मिलता था। परीक्षित ने उन्हें स्थान दिया, हे कलयुग, जहां दारू पिबती है वहां तुम रहो, यहां जुआ होता है वहां तुम रहो, यहां हिंसा होती है, यहां काटा पीटी होती है वहां रहो, या व्यभिचार होता है वहां रहो,
अब सब विचार कर लें कि दारू पीकर के हम कलयुग को अपने घर में बुलाते हैं और बास दे रहे हैं। जुआ खेल करके हम कलयुग को अपने घर में बुला रहे हैं और बसा रहे हैं, राग रहे हैं। हम झूठ बोल करके कलयुग को ला रहे हैं। हम हिंसा करके कलयुग को बुला रहे हैं। हम व्यभिचार करके कलयुग को ला रहे हैं। कलयुग को अपने घर में ले आओगे तो बताओ सुख शांति कहां से रहेगी। कहते हैं लड़का नहीं मानता, लड़की नहीं मानती, पत्नी नहीं मानती, पति नहीं मानता, कोई किसी की बात ही नहीं मानता। अरे कलयुग को तो तुम घर में ही रख के बैठे हो। जहां कलयुग होगा वहां कलह है, सुमति कहां। जहां सुमति ता संपति नाना, ओ जहां कुमति ता विपति निदाना। जहां सुमति है तो संपत्ति है, सुमति को तुमने रखा ही नहीं, घर में कलयुग को रख लिया तो सुमति कहां से रहेगी। अपने आचार, अपने विचार, अपना धर्म, अपना संस्कार अपन रखोगे तब रहेंगे। कलयुग को घर में रख लिया, झूठ बोलना, पाप करना, अन्याय करना, जुआ खेलना, हिंसा करना, और जिसके मुंह से ये शराप लग गया, जिसके मुंह से शराप लग गया तो समझ लो उसे शराप लग गया, वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता। कभी सक्सेस ये नहीं हो सकता। अपने घर परिवार को बर्बाद कर देगा, ये संस्कार बच्चों में जाएंगे। और दारू पीने वाले की तो वैसे को चुना ने संग से जति कुमंत्र से राजा, ओ मान से ज्ञान पान से लाजा। दारू पीने वाले के अंदर शर्म नहीं रहती है, शर्म खत्म। और शर्म खत्म तो फिर डरो का है, फिर का डरो। इसलिए कलयुग को अपने घर में ना लाएं, शिक्षा और संस्कार को अपनाएं। जब जैसे बड़े घर के मुखिया काम करेंगे ना, जैसा चरित्र वो बरतेंगे ना, संतान आने वाले सब वैसे ही बरतेंगे। बच्चों से कहने की जरूरत नहीं है, बच्चे काम होते हुए देखेंगे उसी को करेंगे। कहने से कोई कुछ नहीं करता, कहने से तो घर घर में सब कह रहे हैं तू ऐसा कर वैसा कर। अमू कह रहे हैं, अच्छे अच्छे महात्मा कह रहे हैं, विद्वान कह रहे हैं, सब समझा से दे रहे हैं, पर कहने से कौन मानता। सुनाई ही नहीं पड़ता, कान है ही नहीं। कुछ नहीं है आज संसार में, दुनिया में आदमी की वैल्यूएशन खत्म क्यों हो रही। एक दिन राजा से रानी ने कहा, महाराज तुम अपने मंत्री को नौकर पे नौकरी रखते देते है ना, वो मेरा भाई ही है, उसे रख लो। राजा ने कहा कि तुम्हारा भाई ये नौकरी नहीं कर पाएगा। बाँ, क्यों नहीं करेगा, पढ़ा लिखा है, कोई बात नहीं है, रख लूंगा। अपने मंत्री से कहा, मंत्री तुम 4 दिन के लिए छुट्टी पे चले जाओ। उन्होंने अपने साले को बुला लिया और कहा, आप नगर में जाएं, कोई विशेष बात देख करके आए और लाएं। वो नगर में गया, नगर में एक मूर्तिकार के यहां 3 मूर्ति रखी थी। उन्होंने देखा ये 3 मूर्ति एकदम एक जैसी हैं, बड़ी सुंदर हैं। उन्होंने देखा उनका रूप रंग वजन सब एक जैसा। उन्होंने कहा, भैया जिनकी कीमत कई 1,000।
और 2000 और 4000। उन्होंने पूछा, भैया जी की कीमत में भेद क्यों? रूप रंग वजन में सब में एक जैसी है, फिर कीमत में भेद क्यों? दुकानदार ने कहा, ये तो लेने वाला ही समझे। वो राजा के पास आया, राजा से कहा, महाराज मूर्ति तो मिल गई, बड़ी दिव्य है, सुंदर है, विशेष बात है, पर कीमती में अंतर है कि ऐसा क्यों? महाराज ये समझ में नहीं आता, कल ही तो नौकरी जा। उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया, कहा मंत्री फलानी जगह पर तीन मूर्ति है, उनके गुण धर्म लेकर के आ। मंत्री गया, उसने एक लकड़िया उठाई, कान में डाली, एक के कान में डारी लकड़िया नहीं गई, दूसरे के में डारी जालंगते बालक ने कर गई, तीसरे के में डारी और अंदर को चले गई। मंत्री आया, राजा ने कहा, क्यों मंत्री उनके गुण धर्म लेता आया? हाँ महाराज। कही क्या विशेषता है? कही महाराज जो 1000 की कीमत है ना, बाकी तो कान ही बंद है, वो तो कहू की सुनतु है ना, तई बाकी 1000 की कीमत है, और एक 2000 की कीमत बाकी दूनी क्यों? कई बार सुन तो लई पर जालंग दे बालंग निकल गई, सुन तो लई तई बाकी कीमत दूनी है गई, पर का भयो वो जाका सुनियो बाका न गई, और एक वो 4000 रुपया भाई कई हाँ मारा है, बारे सुनी और पेट में डाल ले, जिसने सुनी और पेट में डाल ली बाकी कीमत बढ़ी, और जाकान ते बाकान ने कर गई कीमत आधी है गई, और कैसे ना सुन रहे तो बाकी कीमत का है कचो। इसलिए सुनो और समझो, मानो आदमी की कीमत आचरण से होती है, संस्कारों से होती है। आदमी में कुछ नहीं है, केवल उनकी जवान है, बात है, बात का पक्का है तो आदमी है, और बातों को पक्को ना तो कुछ ना। आज अपने जीवन निर्वाह के लिए झूठ बोला जाता है, और वेद शास्त्र कहते हैं रव कुल रीत हो जाए पर वचन को तोड़ देते, तो आदमी में कीमत क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना, तो आगम निगम पुराण बकाना। अगर कोई कहता है कि मैं धर्म के मार्ग पर चलता हूं, तो धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य ही धर्म है। अगर कोई कहता है कि मैं भजन करता हूं, ओ मां कहो मैं अनुभव अपना, ओ सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य ही धर्म है, सत्य ही भगवान का भजन है, सत्य ही नारायण है, सत्य ही शिव है। सत्येन धारेण पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन बहति वायुस्य, सत्येन सर्व प्रतिष्ठतम। सब कुछ सत्य ही है, सत्य पर ही टिका हुआ है। धर्म न दूसर
सत्य समाना बराबर कुछ नहीं है, इसलिए सत्य का पालन करें। अगर अपन अपने वचन का पालन नहीं कर सकते तो किसी को वचन दो मत, देना भी नहीं। वचन का पालन करें तो ही दो, नहीं तो कुछ नहीं। अगर बात गलत न करे तो तुम्हारी कीमत खत्म, कोई विश्वास नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए महाराज परिचित ने कलयुग को चार स्थान बताए। जो व्यक्ति अपना भला चाहे इनसे कलयुग से बच करके रहे और स्थान दे करके परिचित महाराज आए। और एक दिन आखेट के लिए गए, सोने का मुकुट सर पर रख करके गए, सोने में बासा दिया और जो सोना ईमानदारी का होता है उसमें नहीं है, जो बिना मेहनत का सोना है उसमें कलयुग का बासा है। तो जैसे बताया जाता है कि महाराज परीक्षित जरासंध के मुकुट को लेकर के अपने सर पर रख करके और एक दिन आप आकट के लिए गए। जंगल में गए और भटकते भटकते भूख और प्यास से बेचैन हुए, एक श्रृंगी ऋषि के आश्रम समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। समीक ऋषि के आश्रम में जाकर के कहा, अरे कोई है, हमें प्यास लगी है, हम भूखे हैं। समीक ऋषि समाधि में बैठे हुए थे, कलयुग ने उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया और सोचा, अरे ये महात्मा कैसा है, मैं राजा हूं और मेरे आने पर ये प्रसन्न नहीं हुआ, खड़ा नहीं हुआ, मेरा आदर सत्कार नहीं किया। वह मरा हुआ सर्प पड़ा था, वो सर्प लेकर के समीक ऋषि के गले में डाल दिया, उनका अपमान करके वहां से चला। बालकों ने देखा समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि नदी में स्नान कर रहे थे, उनके पास जाकर के बालकों ने कहा, अरे श्रृंगी एक राजा आया और तेरे पिता का अपमान करके अब चला गया, तेरे पिता के गले में एक मरा हुआ सर्प डाल करके चला गया। पिता का अपमान समझ करके पुत्र क्रोध में आ गया और स्नान कर रहा था नदी में, वहीं उसने जल ले लिया, हाथ में जल लेकर के और युक्तवारोषताम्राक्षो वयस्यान रस बालकान हाथ में जल लेकर के और कहा, हे राजन तूने मेरे पिता का अपमान किया है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज से सातवें दिन तुझे तक्षक नाग डसेगा और तू भस्म हो जाएगा। वो बालक वहां से आया और पिता के पास आया समीक ऋषि के यहाँ और रोने लगा।
क्योंकि गंगा ही कल्याण करने वाली है। और जाकर के वहां परमात्मा से प्रार्थना करने लगे, हे परमात्मा बिगड़ी मेरी बना दे, बिगड़ी मेरी बना दे, दुनिया बनाने वाले बिगड़ी मेरी बना दे, दुनिया बनाने वाले बिगड़ी मेरी बना दे, दुनिया बनाने वाले। ओ दुनिया मेरी बना दे, बिगड़ी बनाने वाले दुनिया मेरी बना दे, बिगड़ी बनाने वाले।
बार देख ले तू, हमको तेरे दीवाने एक बार देख ले तू, हमको नहीं है परवाह, भाई हमको नहीं है परवाह, बड़ी बजाने वाले। तो 6 महीने में होगा, कोई कहता 2 महीने में होगा, राजा कहते हैं कि महाराज मेरे पास समय तो केवल 7 ही दिन का है। तब फिर कैसे होगा? ऐसे सब विचार करते करते रहे, उधर श्री सुखदेव जी महाराज उसी सभा में भगवान की प्रेरणा से जाते हैं। भगवान ने कहा, सुखदेव संसार में परिचित जैसा श्रोता तुम्हें नहीं मिलेगा। वक्ता तो संसार में हजारों हैं, पर श्रोता नहीं है। बस श्रोता मिल जाए सही तो बस वही संवाद चालू हो जाता है। इसलिए तुम जाओ। सुखदेव जी गए। जैसे ही सुखदेव जी सभा में गए, सबके मन में विश्वास हो गया कि अब समस्या का समाधान हो जाएगा। सब सुखदेव जी महाराज की जय बोलने लगे। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। सभी ऋषि मुनि के मन में विश्वास हो गया। सुखदेव जी को आसन दिया। परीक्षित महाराज ने प्रणाम करके उनके सामने बैठ गए। कहा, महाराज जिसकी मृत्यु के केवल 7 दिन रह गए हम वो क्या करें? श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन मृत्यु के 7 दिन तो सबके रह गए हैं। सबकी मृत्यु 7 दिन में ही होनी है। वे 7 है एतवार से लेकर के शनिवार तक। इन 7 ही दिनों में सबकी मृत्यु होनी है। परीक्षित ने कहा, महाराज जो मृत्यु की लाइन में खड़ा हो उसे क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने कहा, राजन सभी मृत्यु की लाइन में खड़े हुए हैं। सब खड़े हैं, जिसका नंबर आ गया बस वही चला जाए। सब लाइन में खड़े हुए। कहा, महाराज मेरी मुक्ति कैसे होगी, मेरा कल्याण कैसे होगा 7 दिन में? सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन 7 दिन तो बहुत हैं। अगर मैं तो आपकी अंतिम श्वास पर आ जाता ना, तब भी तुम्हारी मुक्ति कर देता। अच्छा महाराज। हाँ, परीक्षित महाराज ने कहा, तो महाराज किसी की मुक्ति थोड़े समय में हुई है? सुखदेव जी ने कहा, हाँ किसकी महाराज? खटवांग राजा की। वो कैसे महाराज? तब कहा श्री सुखदेव जी महाराज ने, राजा देवासुर संग्राम में खटवांग राजा ने देवताओं का साथ दिया और खटवांग के सहायता से देवता विजय प्राप्त हुए। तब देवताओं ने कहा, हे राजन आप वरदान मांग लें। राजा ने कहा, हे देवो पहले मुझे ये बताओ कि मेरी आयु कितनी है? देवताओं ने कहा कि तुम्हारी आयु सिर्फ 2 घड़ी शेष है, 2 घड़ी 48 मिनट। अच्छा हाँ, तब मैं वरदान लेकर के क्या करूंगा? महाराज कृपा करके आप मुझे जल्दी से जल्दी गंगा के किनारे पहुंचा दें। देवता ने खटवांग को गंगा के किनारे पहुंचा दिया। गंगा को प्रणाम करके स्नान करके आसन लगा करके उन्होंने भगवान का गुणगान किया। मेरे राम सहारा बन जाओ, ओ मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम में रम जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे रोम रोम Oh,
मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम सहारा बन जाओ, मेरे राम राम सहारा बन जाओ, मेरे राम राम सहारा बन जाओ, मेरे राम राम सहारा बन जाओ, मेरे
भगवान से प्रार्थना की, भगवान का गुणगान किया और कटवांग राजा का मोक्ष हो गया। अंत मति सो गति, अंत में भगवान का नाम जो लेता है, जाकर नाम मरत मुख आवा ओ अधम मुक्त हो स्मृति का। भगवान का गुणगान करो मन में विश्वास से, वैराग्य की कृपाण से मोह रूपी संसार रूपी जंजाल को काट। हरी ने 6 वर्ष तपस्या करी, कोई हिरणाकश्यप बता चली सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन कोई हिरणाक्षता और श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन जब हिरणाक्ष का वध हुआ, मनु महाराज ने सृष्टि की रचना की, उनके यहां 5 संतानें उत्पन्न हुई, 2 पुत्र और 3 कन्या। उक्तान पाद प्रियव्रत 2 पुत्र थे, देवहूति प्रसूति आकृति ये 3 कन्याएं थे। और कहा है राजन, मनु महाराज की 5 संतान बड़ी दिव्य और भैया सभी अपना अपना आसन ग्रहण करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। राधे श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ओ श्याम के ने लागे हैं मोपे जादू सो करबे ओ श्याम पड़ो चलिया पची रही हो राजे, श्याम पड़ो चलिया पची रही हो राधे, श्याम पड़ो चलिया पची रही हो राधे, ओ श्याम पड़ो चलिया पची रही हो राधे, राधे पची रही हो राधे, 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 पची रही हो राधे,
ज्ञान प्राप्त होता है। अच्छा कहिया तो हमें ही कराए तो ज्ञान प्राप्त पढ़ी गई जय कछु बताऊ तो अदू ना कई सामान तो तुम पे हो गई पैसा मैं दे देता हाँ जय कथा सुना देता थे ज्ञान प्राप्त है यार गेल में ही बाना झाड़ झूर पूरे करकटे पे साहब पंडित ने अपने ठाकुर जी माको जी नवकरे रुपाए कने कथा चालू करी भगवान की कृपा पीछे ने डंक दे दो पाए में नीचे थे जांग अब वो चौपिया समझ भी लग गो के बस अब कथा चालू भई तो ज्ञान प्राप्त प्रवेश है उठो हाँ अब ज्ञान प्रवेश भयो ऐसो ज्ञान प्रवेश भयो के नेक देर पीछे तो ने कहो पंडित जी बंद कर दो बस बहुत है। पंडित जी ने कही भैया अब तो एक अध्याय ना भयो तुम्हें तो अध्याय की पढ़ रही है जो शरीर फटो मर रहो ज्ञान के मैं बंद करो भैया बंद करो भाई बायका फटो के का है रो बुद्ध जी समझ रो कि ज्ञान के माया फटो मरियो हाँ तेरे कथनते का हो ज्ञान के माया तो वैसे ही फटे मर रही ज्ञान की वो कहूँ मैं कमी है ना ज्ञान तो इतने को ओवर है रो व्यवस्था को मैं ज्यादा पर उपदेश कुशल बहुत तेरे दूसरे समझ आए के का तो सब तैयार है कल को लड़का खत्म है गयो बाबा आए